फिर उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि 5-6 मोबाइल ले लेंगे, 5-6 अब खोले और एक दफ़े निकल गए सुबह या रात की या शाम की वॉक पे, और सब सब ऐप से जो है ना अच्छी तगड़ी अर्निंग करके वापस आ गए, सेहत भी बनाकर वापस आ गए। तो ये होता है जी, मेरे स्मार्ट जहन में ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी चलते हैं हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेटावर्स मिलियनियर्स, मैं जिंदगी सुल्तान और आप देख रहे हैं मेटावर्स इन उर्दू। वीडियोस में कुछ गैप आ गया था और इसकी रीज़न ये थी कि मैं चाहती थी कि कुछ सॉलिड प्रोजेक्ट्स ही आपके लिए लेकर आऊँ। ऐसे ही धांसू प्रोजेक्ट्स पर अब हम आज से बात किया करेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है उसके ऊपर हम शुरू कर लेते हैं वीडियोस, राइट? तो जनाब आजकल ट्रेंडिंग में क्या जा रहा है? आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है वॉक टू अर्न और या फिर मूव टू अर्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी बिल्कुल, स्टेप इन से तो हम सभी वाकिफ हैं और मैं और आप जैसे बहुत से लोग जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में टाइमली एंट्री नहीं ले सके थे, क्योंकि एक तो जब हमें पता चला उस पर स्नीकर्स बहुत ही महंगे हो चुके थे, हमारी पहुंच से बाहर हो चुके थे, और हम जब लोगों की अर्निंग्स देखते थे तो कहते थे कि ये हमसे क्या मिस हो गया, और हम दुआ करते थे याला स्टेप इन की तरह कोई एक प्रोजेक्ट आ जाए तो हमारी दुआएँ कबूल हो गई। इस वक्त बहुत से वॉक टू अर्न या मूव टू अर्न कह लें, वैसे जो मूव टू अर्न ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है फेमस है, मूव टू अर्न प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो लॉन्च हो चुके हैं या पाइपलाइन में हैं। अच्छी बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ऐप फ्री हैं, गो के उनकी अर्निंग्स अभी स्टेप इन लेवल की नहीं है, मगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी उसमें मुझे नज़र आए हैं जो कि स्टेप इन लेवल के हो जाएंगे या लॉन्च होते ही वो स्टेप इन की टक्कर के होंगे, क्योंकि उनके NFTs बहुत महंगे हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, वो है पेट वॉकिंग, डॉग वॉकिंग के साथ भी, यानी आपके पेट्स हैं तो आप उनको भी वॉक करवाते हैं तो भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, लोग आपको पता ही है कि यूरोपियन जो बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत तेज़ी से हाथों हाथ लिया जा रहा है। अब मैं एक सीरीज शुरू करने चली हूँ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं फ्री प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करूँगी, हम उनको ढूंढेंगे, अच्छे बुरे प्रोजेक्ट्स को हम समझ लेंगे लॉन्च होने से पहले। अच्छा, अब ये अर्ली एक्सेस का एक और फ़ायदा भी ये होता है कि आप जो है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गिव अवेज़ या एयर ड्रॉप्स का भी चांस मिल जाता है अगर हम अर्ली एक्सेस कर लेते हैं, बीटा वर्जन्स को ट्राई करने का भी मौका मिल जाता है। तो हम इनको करते हैं, बारी बारी देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। अब मैंने एक जो प्रोजेक्ट खुद ट्राई किया है वो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, वो है स्वेट कॉइन। प्रोजेक्ट है, फ्री है, टोटली फ्री है, अर्निंग उसी टाइम जैसे ही आप लॉन्च करते हैं यानी इंस्टॉल करते हैं आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब उसमें कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं और क्या प्रोस हैं क्या कॉन्स हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन इससे पहले आपको पता ही है कि आप लोग बिल्कुल ना लाइक दबाते हैं ना सब्सक्राइब दबाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, मर्ज़ी है आपकी, दबा लें तो अच्छी बात है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मूव टू अर्न सीरीज का पहला हमारा ऐप है वो है स्वेट कॉइन, ठीक है? अच्छा, ये क्या है? एक फ्री ऐप है जो कि आपको रिवॉर्ड्स देता है अगर आप चलते हैं, अगर आप भागते हैं, जॉगिंग करते हैं, यानी किसी भी किस्म की फिजिकल मूवमेंट करते हैं घर से बाहर निकल कर, तो ये आपको रिवॉर्ड्स देता है, ठीक है? मैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी लिए चलती हूँ, आपको इनके जो सोशल्स हैं ट्विटर डिस्कॉर्ड वो भी दिखा देती हूँ। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स, जो इनका जो ट्विटर है उसके ऊपर तो बेतहाशा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स आर कमिंग, बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं इनके जो सोशल्स हैं उनके ऊपर, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सिंपल जो है ये आपको रिवॉर्ड्स देगा। अब ये रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इन ऐप शॉपिंग कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स के अगेंस्ट कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं, या आप डोनेट कर सकते हैं, और तीसरी सूरत ये है कि आप उसको क्रिप्टो में एक्सचेंज कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि ये उस सूरत में होगा कि जब आप करेंगे, जब इनका जो है वो कॉइन जो है वो रिलीज़ होगा, यानी ऐप रिलीज़ हो गया, आप अर्निंग कर सकते हैं, अपने कॉइन जमा कर सकते हैं। इनके कॉइन का नाम है स्वेट कॉइन ही कहते हैं, और जो इन शॉर्ट स्वेट, ठीक है, वो आपको मिलते रहते हैं।
अब कितने मिलते हैं मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, मगर आप अर्न करते जाएंगे, ठीक है? आप जमा करते जाइए, जब ये समर्स में जून में करते हैं, जुलाई में, जब भी ये अपना टोकन रिलीज़ करेंगे तो फिर उस वक्त क्लियर होगी सिचुएशन, उस वक्त आप उसको क्रिप्टो में भी और फिर USDT में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्वेटकॉइन ऐप जो है वो कैसे काम करते हैं? देखिए, कुछ लोग हो सकता है पसंद ना करें, GPS ट्रैकिंग होती है, यानी आपको अपनी GPS लोकेशन देनी पड़ती है। वैसे तो इनकी जो क्लेम्स हैं बहुत ज़्यादा हैं कि हम आपका जो डेटा है वो किसी को सेल नहीं करते हो और 100% ट्रस्ट आप कर सकते हैं इसके ऊपर। तो GPS ट्रैकिंग के थ्रू वो आपके कदमों को ट्रैक करते हैं। और मैंने तो ये भी नोटिस किया, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूँ, इसके लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर के अंदर भी मूव करी जा रहे हैं तो ये आपके कदमों को ट्रैक करता है, सीक्रेट। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत तेज़ी से इसके अंदर आपके जो वो स्वेट कॉइन्स हैं वो आपको मिलते जाते हैं, मगर जब आप कमरे में, यानी एक चक्कर लगाए फिर आप जब वापस होते हैं तो कई दफ़ा ये अभी प्रॉब्लम इसके अंदर ऐप के अंदर ये आ रही है कि कुछ स्टेप्स ये खा भी जाता है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बाहर। अच्छा, अब आपकी अर्निंग्स का क्या सिलसिला होगा कि जब आप 1000 कदम मुकम्मल करते हैं तो एक स्वेट कॉइन मिलता है और मैक्सिमम आप 10,000 जो है वो स्टेप्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम 10 स्वेट कॉइन्स आप पर डे जीत सकते हैं। जो इनकी कॉइन की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 0.05 से 0.09 है, ठीक है? लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी 0.07, एक रफ एस्टिमेट लेते हैं ना, ये तो अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। तो आप, यानी अगर आपने देखें, मैक्सिमम आप एक दिन में 10 स्वेट कॉइन्स जीत सकते हैं, तो महीने में क्या हुआ, 10 × 30 = 300, तो 2 मंथ्स में 600 आपने स्वेट कॉइन्स जीते। और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 0.07 से, तो ये बनते हैं जी, 0.07 से करें तो ये अप्रोक्सीमेटली $42, यानी आप 2 मंथ्स में $42, जो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐप जो आपको फिजिकली जो है वो एक्टिव कर रहा है, हेल्दी कर रहा है, तो आई थिंक नॉट अ बैड डील एट ऑल। और मज़ा भी आता है कि जी आप चल रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। हाँ, ये अर्निंग बहुत ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड्स कि जी जब इनका कॉइन रिलीज होगा तो उस वक्त उस कॉइन की कितनी वैल्यू, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही होगी जिस तरह से इनको लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आपको इस जो ये जो कॉइन है इसकी कहानी बताती हूँ, ठीक है? लेकिन कहानी बताने से पहले मैं आपसे ये चाहती हूँ कि वो लोग जो गेम्स खेलते हैं, स्किल्ड प्लेयर्स भी हैं और जिनको शौक है, क्रिप्टो की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं मेटावर्स वगैरह उनकी भी नॉलेज है, और नहीं भी है और सीखने में विलिंग हैं, वो प्लीज़ आएँ नीचे हमें ज्वाइन करें। गेम्स जो खेलना चाहते हैं वो आम सी जो फ्री गेम्स हैं उस पर टाइम मत ज़ाया करें। ये वाली गेम्स जो आपको कुछ रेवेन्यू दे रही हैं उसमें शामिल हों, मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पर। और क्योंकि मुझे गिव अवेज भी कुछ मिल रहे होते हैं, मैं सारी गेम्स नहीं कर सकती, बल्कि मेरा ख्याल है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अभी मैंने स्वेट कॉइन ज्वाइन किया तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको पॉइंट्स बना सकूँ, मेरे पास कुछ पॉइंट्स बने हैं और वो भी मेरे जो घर में नेफ्यूज थे उन्होंने वो मेरे हिस्से की फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने की और उन्होंने पॉइंट्स जो है वो जीते हैं, ठीक है? तो मेरे पास देखिए गेम्स हैं, फ्री गेम्स की इंफॉर्मेशन होती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग खेलें और जिसमें पैसे हैं आप लोग शामिल हों। मैं उसमें आप लोगों को ये भी हो सकता है कि मैं खुद इन्वेस्ट करके आप लोगों को उसमें कुछ NFTs खरीद के दे दूँ, कुछ उसमें आप लोगों को एंटर जो है, यानी उसमें एटलीस्ट आप लोगों को एंट्री लेवल की कुछ जो है वो आप लोगों को सहूलत दे दूँ, ठीक है? तो आइए प्लीज़ बताइए, जिन जिन लोगों को खेलने का शौक है, जो सीरियसली इन चीज़ों को सीखना भी चाहते हैं और इससे कोई अपनी अर्निंग्स करना चाहते हैं। ये हो गई बात। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जी कहानी स्वेट कॉइन बना कैसे। नेशनल डायबिटिक प्रिवेंशन के नाम से एक इदारा था जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती हैं उनके ऊपर काम कर रहा था कि लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू वो मोटिवेट करें लोगों को कि वो रिवर्स करें इस शुगर की बीमारी को, टाइप 2 डायबिटीज़ को। मगर उन्होंने देखा कि कोई भी रिज़ल्ट एज सच अचीव नहीं हो रहे, ओनली 10% उन्होंने अचीव किया। फिर उन्होंने सोचा कि जी अब क्या किया जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस तो देखें बहुत ज़रूरी हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, और कैसे अचीव किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ इंसेंटिव्स देते हैं फिज़िकल, सर्टन लाइफस्टाइल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए सर्टन इंसेंटिव्स दिए जाएं। तो फिर जब स्वेट कॉइन के साथ मिलके इंसेंटिव्स ऐड करके जो प्रोग्राम शुरू किए, तो उन्होंने देखा कि रीमार्केबल
यानी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए। तो इस तरह से स्वेट कॉइन ऐप जो है उसका वजूद जो है वो आया, फिर उन्होंने उसका दायरा कार बढ़ाया। ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, बेसिकली तो ये हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बना था, मगर अब इसके अंदर उन्होंने मेटावर्स और क्रिप्टो को भी जब ऐड किया है तो ऑब्वियसली एक बेहतर चीज़ हम लोगों के लिए आ गई है कि हम लोग भी इसमें कुछ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें और मूव करें बाहर, अर्न करें। और मैं तो चाहती हूँ कि हम और भी ऐप्स को डिस्कवर करें। तो मेरा ख्याल है फिर उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि 5-6 मोबाइल ले लेंगे, 5-6 ऐप खोले और एक दफ़े निकल के सुबह या रात की या शाम की वॉक पे और सब ऐप से जो है ना अच्छी तगड़ी अर्निंग करके वापस आ गए, सेहत भी बनाकर वापस आ गए। तो ये होता है जी, मेरे स्मार्ट जहन में ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी चलते हैं हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ, ठीक है। जून जुलाई वगैरह में जब इनका टोकन रिलीज़ होगा फिर सही सिचुएशन सामने आएगी। ऐप बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, इनके ईमेल एड्रेसेस हैं मगर ये जवाब नहीं देते। उसके ऊपर आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाता है कि जी हम इसको सॉरी देख नहीं पाते हैं, तो आप हेल्प जो इनका ऐप है उनका हेल्प सेंटर है वहाँ पे आप क्वेश्चन देख लें और उनके आंसर। तो ये चीज़ मुझे इनकी बुरी लगी, बाकी सब चीज़ें इनकी अच्छी हैं कि इनका डिस्कॉर्ड भी नहीं है, आपने कोई क्वेश्चन करने हैं कोई जरिया ही नहीं है। 64 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, जो कि कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द 100 मिलियन हो जाएंगे, एक ही महीने में 100 मिलियन यूज़र्स जो हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे। एक बहुत बड़ी जो यूज़र बेस है वो इनको ज्वाइन कर चुकी है और ये 100% डेटा सेफ्टी की गारंटी देते हैं। इसके साथ साथ नंबर वन ऐप कंसिडर किया जाता है 70 से ज़्यादा ममालिक के अंदर। ये 600 से ज़्यादा पार्टनर्स इनको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है इनकी। आप इसको ज्वाइन कीजिए, देखिए हमारा क्या जाता है, फ्री है और इसको आप जो लोग तो फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ ये ऐप ही होगा। मैं आपके लिए अगली दफ़ा लेकर आऊँगी नए मजीद ऐप, लेकिन मैं ये सीरीज़ बीच में भी रोक सकती हूँ अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो, ठीक है। बहुत हो गई, मेरी इतनी मेहनत होती है, इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि फैंस ऑफ हैं, गर्मी का मौसम है और मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ, रिसर्च करती हूँ, मेहनत करती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ और आपका रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आएगी। मैं पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों के लिए, बहनों के लिए इसको शुरू किया है ताकि हम लोग जो हैं वो गेम्स तो खेलते ही रहते हैं सारा दिन, ऐसी गेम्स खेलें जिससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो, मॉनिटरी टर्म्स में भी और हमारी सेहत के लिए भी। तो इससे बढ़ के आपको और क्या चीज़ चाहिए मुझे ये बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।